दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में हुई हिंसा की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि नकाब पहनकर जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंसा की थी उनमें अखिल भारतीय विद्या परिषद ABVP और लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं। इन्हीं नकाब पोशों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तबाही मचाई थी जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो क्राइम ब्रांच की जो शुरुआती जांच सामने आई है उससे साफ पता चल रहा है कि हिंसा में दोनों पक्षों का हाथ है। ABVP और लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने हिंसा करते वक्त अपने चेहरे को ढक लिया था। इस दौरान बाहरी लोग बुलाए गए जिन्हें पुलिस ने पहचान लिया है। गौरतलब है कि रविवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दर्जनों नकाबपोश लोगों ने आकर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान छात्रों और फैकल्टी पर हमला किया गया जिसमें 30 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। इस घटना को 40 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।